तो यहाँ पे बुरुंडी में जो एजुकेशन होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज में होती है। इन 60 रुपीज़ यू कैन बाई 1 kg एप्पल इन इंडिया। आपको एप्पल मिलेगा यहाँ पे 1300 बुरुंडियन फ्रेंक का। ये 1500 बुरुंडियन फ्रेंक का 1 kg है। व्हाट आर यू सेलिंग? यू आर सेलिंग चिकन? हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ चिकन? दिस इज बेली जेल। यहाँ पे अभी टॉवल खरीद रही है। You want food? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं हूँ बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे गरीब देश जो बुरुंडी है वो आखिर कितना महंगा है, यहाँ के मार्केट कैसे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बुजुम्बुरा और अभी हम लोग जाएंगे ओलिवर एंड व्हाट इज़ हर नेम? बेलीजा। तो हम लोग जाएंगे अभी एक्सप्लोर करने बुरुंडी बुजुम्बुरा, बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा को। तो मैं मेंशन पे सबका प्राइस मेंशन कर दूंगा क्योंकि कैलकुलेट करने में काफ़ी दिक्कतें होती है बार बार। और एक इंडियन रुपीस बराबर है 24 बुरुंडियन फ्रेंक के, तो आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बुजुम्बुरा इतना कोई खास डेवलप नहीं है। और ये ओलिवर है, ये 5 साल तक इंडिया में स्टडी किया है इन्होंने। हाउ मेनी ईयर्स यू स्पेंट इन इंडिया? 5 years in India for almost 8 years. 8 years? Oh, really? Yeah. I started from Gujarat. Gujarat? Yeah, in 2014. Okay. And then after Gujarat, I moved to Hyderabad. Hyderabad. Started by Vijayawada and then to Hyderabad for 5 years. Oh, really? भाई साहब 8 साल बिताए भाई साहब ने अपने इंडिया में। Yeah. So how was your experience? What would you like to say about India? India, my experience was good actually. First of all, the way Indians are welcoming foreign people, and friendly. I find India was good. अभी हम जिस पैलेस में जिस जगह पे है वो है किगोबे, और यहाँ पे पास में US एम्बेसी है। ये आप देख रहे हो कि सारा बिल्डिंग US एम्बेसी का है। आपको अभी यहाँ पे एक भी मोटर बाइक या बाइसिकल्स नहीं देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अभी यहाँ पे उनको बैन कर रखा है सिटी एरिया में, क्योंकि उनसे काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते थे और डेथ भी होती थी उनसे। तो इसलिए अभी बुरुंडी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिटी एरिया में बाइसिकल्स वगैरह या मोटर बाइक उनको बैन कर रखा है। अब यहाँ से शुरू होता है बुजुम्बुरा का मार्केट, आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ से जो मेन मार्केट है बुजुम्बुरा का, यहाँ से शुरू होता है। बुरुंडी की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेंच और किरुंडी एंड स्वाहिली आल्सो। यस, स्वाहिली आल्सो, एंड नाउ वी ऑलरेडी हैड इट इन इंग्लिश। या इंग्लिश, ओके। तो यहाँ पे बुरुंडी में जो एजुकेशन होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक फ्रेंच में होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों पहले फ्रेंच जो फ्रांस कंट्री या फ्रेंच लोग है वो यहाँ पे राज किया करते, जैसे अपने इंडिया पे ब्रिटिश लोग करते थे। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच, हर कोई आपको यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलता हुआ मिल जाएगा। सो दिस इज द मार्केट वी आर गोइंग टू विजिट। ओके, इट्स कॉल्ड सियोनी। सियोनी? यस, सियोनी मार्केट। वी कॉल इट इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल इट पासियोनी। सम ऑफ देम विल बी हैप्पी, सम ऑफ देम विल बी एंग्री। सम ऑफ देम विल बी एंग्री, दे विल नीड यू टू बाय समथिंग सो दैट दे कैन। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए यहाँ का एक मार्केट है बुरुंडी बुजुम्बुरा का, काफ़ी फेमस मार्केट, मेन मार्केट है सियोनी मार्केट। अभी तो ये यहाँ का पार्किंग है, सियोनी मार्केट का पार्किंग कुछ ऐसा है। तो अभी हम चलते हैं मार्केट में और फिर बताता हूँ आपको यहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ की चीज़ें कितनी क्या एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं मार्केट में, एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। आइए मेरे साथ, आप लोग भी घूमिए बुजुम्बुरा की मार्केट। तो ये है यहाँ का सियोनी मार्केट। जिस द फूड कोर्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ की प्राइसेज वगैरह। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे जो फूड एरिया है सियोनी मार्केट का, अभी हम लोग वहाँ पे हैं। सो दिस वन इज 1300 1 ओह, इट्स सो एक्सपेंसिव। नाउ इट मींस इन 60 रुपीस यू कैन बाय 1 kg एप्पल इन इंडिया। आपको एप्पल मिलेगा यहाँ पे 1300 बुरुंडियन फ्रेंक का।
और ये सारे लोग मुझे घेर लिए यार यहाँ पे आज के, देखो सारे मेरे चारों तरफ हो गए हैं यहाँ पे लोग। हाउ आर यू, हाउ आर यू, कैमरा देखते ही भग जाते हैं यार लोग। यहाँ का सब्जी मंडी फ्रूट मंडी है, सॉरी big sensor. Yeah, this is 1500 1 kg. 1 kg? Yeah. 1000. ये 1000. Yeah. 1500 Burundian franc का 1 kg है. This is 3000. 3000 one. Yeah, it's almost $1. Okay. Yeah. 70 रुपए किलो लगभग वो 3000 Burundian franc का एक गोभी मिलता है यहाँ पे यार। लगभग आप ये मान के चलो कि 80 रुपए किलो। अभी मैं इंडियन प्राइस मेंशन कर दूंगा सबका स्क्रीन पे, तो आप लोग यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि बुरुंडी आके जो दुनिया का सबसे गरीब देश है वो कितना महंगा है। व्हाट आर यू सेलिंग? ये लहसुन बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो आपको ऑयल दिख रहा होगा, वो क्या है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह में यहाँ पे जब यूज हो जाता है ना, जब चिप्स वगैरह वो तल लेते हैं उसके बाद वापस लाके यहाँ पे रिसेल करते हैं उसी ऑयल को। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एग्स? इट्स 500 for one plate, like for the full plates in India. Yes. We take it for 100. Yeah, 100. The mains here we take it for like 300. 300. Yeah. 300 Indian currency में एक प्लेट मिलेगा अंडे का। यहाँ पे एग मार्केट बहुत है यार, यहाँ पे अंडे काफी सारे मिल जाएंगे आपको। You are selling chicken. How much is the cost of chicken? This is 75. फ्रांस में बता रहा हूँ आपको प्राइस, जो इंडियन करेंसी वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। टमाटर देखो यार कितने मोटे मोटे टमाटर है भाई। This is like medicine that they put. Okay, just to keep it safe. And 1 kg is 2000. 1 kg is 2000. टमाटर देखो कैसे सजा सजा के रखे हैं एक के ऊपर एक। यहाँ पे पूरा है जो बीफ पूरा गाय का मांस मिलेगा आपको, ये बीफ मंडी है मतलब। ये आप देख सकते हैं पूरा बीफ काट के रखा है यार पीछे। बीफ साइड में तो मैं नहीं जाऊँगा क्या। What are you selling? She's saying if you want to take a camera or take a picture, okay, just leave 500 to her. Oh, 500. 500? वो लेडीज बोल रही है आप मेरा वीडियो बना रहे हो तो मुझे 500 फ्रेंक दो। दो चाहिए पर हम अंबिया। What is this? That is soap. Soap. Oh, yeah. soap. ये साबुन है यार। अपने तो पैक साबुन आता है यहाँ पे बस सिल्ली काट के। या आई गोट। इधर है जो आपको ये शूज वगैरह का लेडीज वगैरह का जो आइटम है वो मिल जाएगा, सारा लेडीज आइटम मिलेगा इधर आपको। और इधर भी ये जो लेडीज आइटम है और ये जो मार्केट का मैंने एंट्रेंस है। बेलीज है जो यहाँ पे अभी टॉवल खरीद रही है। बेलीज second hand, I know, for A1.
So what are you doing? 7A. What are you doing? I'm checking if it's gonna fit with you guys. Hey, you're queer. It's Burundi times. And others are from Tanzania. These are Burundian or Tanzanian? Tanzanians. Tanzanian? Yeah. Yeah, I saw in there. Yeah, probably you saw it in Tanzania. And this one you can get it in Senegal. Senegal? Yeah. Oh. Senegal. Yeah, Senegal. And let's check, like, this one you can see, this one, this type is from Cameroon. Cameroon? Yeah. Oh, this type of आपको यहाँ पे हर प्रकार के मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के जो कल्चर के क्लोथ्स हैं वो मिल जाएंगे, जैसे लाइक ये तंजानियन है, वो सेनेगल, वो सामने जो सेनेगल कपड़े देख रहे हैं सेनेगल कल्चर के कपड़े हैं, और ये है जो कैमरून कल्चर में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एक छोटी सी शॉप है, उस छोटी सी शॉप पर आपको बहुत सारे देशों के कपड़े मतलब उनके कल्चर के कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। स्प्रे यहाँ से मुझे एक स्प्रे खरीदना है, देखिए मैं देखता हूँ क्या प्राइस मिलता है स्प्रे का। एनी परफ्यूम बॉडी स्प्रे है सोमी? हाउ इज इट स्मेलिंग? एक डियो खरीद रहा हूँ यार, 8000 बुरुंडियन फ्रैंक का बता रहे हैं, 8000 बुरुंडियन फ्रैंक, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो लग रहा है मुझे। Thank you. How are you? Fine, thank you. Fine, good. What are you selling? देखा कुछ लोग कितने खुश हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो भड़क जाते हैं कैमरा देखते ही। तो अभी मुझे यहाँ से यहाँ तंजानिया के लिए बस के लिए भी पता कर ही लेता हूँ मैं। हियर? हाँ, ये यहाँ पे कोई ऑफिस है, बस का ऑफिस है, तो यहाँ पे तंजानिया के बस के लिए मैं पता कर लेता हूँ। और ये जो आप देख पा रहे हैं बुजुम्बुरा का मेन सिटी है, तो आप देख सकते हैं जो बुजुम्बुरा का कंट्री का कैपिटल वो कैसा है। ये जो अभी डाउनटाउन एरिया है जो अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को सभी जगह के लिए बस मिल जाएगी, यहाँ से यदि आप बुरुंडी में कहीं भी जाते हैं तो। अभी यहाँ से वैसे बाइक वगैरह इनको बंद कर रखा, वरना बाइक है जो काफ़ी चीप पड़ता है। मैंने रवांडा वगैरह में देखा था, वहाँ पे बाइक है जो हर जगह आपको नुक्कड़ पे बाइक मिल जाएगी, आप कहीं भी जाना हो आपको बाइक के हाथ दो और चल दो। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का कोई लोकल जो आउटर एरिया रोहेरा, यहाँ का जो डाउनटाउन एरिया है उसका नाम है रोहेरा। और अभी मैं थोड़ा सा डाउनटाउन एरिया से बाहर आया हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई देखे रेस्टोरेंट वगैरह है अच्छे खासे चीपेस्ट वगैरह, तो वहाँ पे अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और फिर आपको बताता हूँ खाने वाने का प्राइस क्या है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में। ये यहाँ पे अपने जैसे स्ट्रीट फूड होता है, आप एक तरह का वैसा ही मान लो बुरुंडी में स्ट्रीट फूड। तो ये बच्चे हैं जो अभी इनको भी देता हूँ। व्हाट यू वांट? हाउ आर यू? यू वांट फूड? फूड? ओके, वेट वेट वेट। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है राइस, ये बिरयानी टाइप का तो नहीं है, आप एक टाइप का थोड़ा सा बिरयानी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे बिरयानी नहीं जैसा अपने इंडिया में बनता है वैसा नहीं। अभी यहाँ खाने का बिल हुआ है 33,000 बुरुंडियन फ्रैंक, यहाँ का मनी है बुरुंडी का। वैसे अपना देखा जाए तो इंडिया के वजह में तो यहाँ का बुरुंडी का जो करेंसी है काफ़ी वीक है। आपको लखपति करोड़पति बनना है तो बुरुंडी आ जाइए, आप एक झटके में करोड़पति, ATM पे जाओ अपने 2-3 हज़ार रुपये निकालो और आप एक झटके में लखपति बन जाओगे यहाँ पे बुरुंडी में। तो ये था यहाँ का स्ट्रीट फूड, कोई स्ट्रीट में रेस्टोरेंट था वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, चिकन बिरयानी, बिरयानी टाइप का ही था। तो उसका प्राइस था लगभग क्या है 33,000 बुरुंडियन फ्रैंक। तो मैं जो ओरिजिनल अपने इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, मैं दे देता हूँ इसको।
Karibu. Karibu. Asante. I am confused. By the way, Burundi is a very interesting country. You have to come here. So, there are a lot of यहाँ के लोग भी मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है काफ़ी वेलकमिंग पर्सन है और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस मैं अब तक का मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप देख लो केन्या इथियोपिया या तंजानिया वहाँ से बेहतर ही है मतलब बेटर ही है मेरा एक्सपीरियंस यहाँ की बुरुंडी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के बहुत वेलकमिंग पर्सन मिले हैं अब तक मेरे को जो भी मिले हैं वो शायद अभी स्कूल का छुट्टी हुआ होगा तो ये है बुरुंडी के कुछ नज़ारे और अभी चलते हैं हम लोग सिटी की तरफ वहाँ से कुछ डॉलर एक्सचेंज करवाएंगे फिर डॉलर एक्सचेंज के बाद देखते हैं वहाँ पे यदि आप ब्लैक से एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा और यदि आप किसी बैंक वगैरह पर जाएंगे एक्सचेंज सेंटर पर जाएंगे तो आपको बहुत कम प्राइस मिलने वाला है तो अभी चल के बताता हूँ कि मुझे कितना प्राइस मिलने वाला है वहाँ मैन सिटी अभी हम लोग मैन सिटी एरिया में आ गए और बुरुंडी की बात की जाए तो बुरुंडी मॉरिशस और रवांडा के बाद तीसरा सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है अफ्रीका में ये अब तक का मुझे सबसे बड़ा बिल्डिंग दिखा है बुरुंडी में अभी मुझे यहाँ से $85 चेंज करवाने हैं एक्चुअली आप लोग बाहर दिखाना मत कभी यहाँ पे आते हो तो मैं ओपनली क्योंकि ये ब्लैक मार्केट है और ब्लैक मार्केट में यदि यहाँ पे पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो फिर आपसे पुलिस है जो फ्रीली मतलब आपको पैसे वापस करने वाली नहीं है तो ये भाई है जो पीछे आ गया ये अभी एक्सचेंज मनी करवाएंगे भाई साहब बहुत बड़ा सौदा हो रहा है यहाँ पे आप यदि मनी एक्सचेंज बाहर से करवाते हैं बैंक वगैरह से जाते हैं तो वहाँ का ऑफिशियल रेट मैंने देखा है अभी एक $1 बराबर है 2058 बुरुंडियन फ्रैंक के और यदि ब्लैक मार्केट से आप एक्सचेंज करवाएंगे तो आपको मिलेगा 3300 बुरुंडियन फ्रैंक $1 का और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है तो कभी बैंक वैंक के चक्कर में मत पड़ना एयरपोर्ट से भी मत करवाना एयरपोर्ट के बाहर आपको थोड़ा प्राइस मिल जाएगा अभी मैंने यहाँ से $85 एक्सचेंज करवाए तो उसका मुझे मिला है 3,90,000 बुरुंडियन फ्रैंक और यदि मैं यही मनी एक्सचेंज यदि कहीं और से करवाता बैंक वगैरह से करवाता तो मुझे यहाँ पे बहुत कम प्राइस मिलता मैं आपको बताता हूँ एक बार कैलकुलेट करके कितना मिलता 85 1,74,000 बुरुंडियन फ्रैंक मिलता यदि मैं कहीं बाहर बैंक वगैरह से या किसी मनी एक्सचेंज काउंटर से एक्सचेंज करवाता तो मुझे 1,74,000 मिलता और यदि आप ब्लैक मार्केट आते हैं ब्लैक मार्केट में मिला है मुझे 2,80,000 बुरुंडियन फ्रैंक $85 का अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है यार अब ये मुझे नहीं पता कि इतना फ्लक्चुएशन इतना डिफरेंस क्यों है लेकिन जो भी है मुझे क्या लेना मुझे यार 1,00,000 ज़्यादा मिला है 1,00,000 फ्रैंक ज़्यादा मिले हैं बुरुंडी के मार्केट के बारे में या एक्सपेंसिव के बारे में मतलब कितनी महंगाई है चीज़ों के या एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या सस्ती है तब ये मैं मेरे होटल आ गया और मैं यहाँ पर यार थोड़ा सा आराम करूँगा तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मिलता हूँ फिर किसी एक नए एडवेंचर के साथ नए वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर